नमस्कार दोस्तों, टिक फैक्ट यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ दुनिया में हो रही रोमांचक और दिलचस्प बातें साझा करने और साथ ही आपको साइंस के बारे में बताते हैं, ताकि आपको दुनिया और साइंस के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, जो बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो हर घर में पाया जाता है। दोस्तों थोड़ा रुक जाइए, अब मैं आपको एक ऐसी जगह और स्कूल के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर बच्चे फीस के बदले में प्लास्टिक की बोतल देकर अपनी पढ़ाई, कॉपी किताब से संबंधित सारी सामग्रियाँ फ्री में प्राप्त करते हैं। आप सोच रहे होंगे, ऐसा कौन सा स्कूल है भाई, कोई कबाड़ी की दुकान तो नहीं जहाँ पर प्लास्टिकों को खरीदा जाता है? अरे बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, सारी बातें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इसके लिए हमें चलना होगा असम, नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी। यह भारत के असम राज्य का सबसे बड़ा नगर है। प्रशासनिक रूप से यहाँ कामरूप महानगर जिले में स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा पूर्वोत्तर भारत का मुख्य शहर है। यह नगर प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पर माँ कामाख्या मंदिर, उमानंदा टेम्पल, असम स्टेट म्यूजियम स्थित है, और इस शहर से थोड़ी दूर पर ही शिलोंग, चेरापूंजी आदि पर्यटक स्थल भी है। असम के गुवाहाटी स्थित इस स्कूल में फीस के तौर पर खाली प्लास्टिक की बोतलें जमा करनी पड़ती हैं। हर हफ्ते यहाँ बच्चे 25 खाली पानी की बोतलें जमा करते हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ कारपेंट्री, गार्डनिंग व प्लास्टिक की बोतलों से यूनिक चीजें बनाना सिखाया जाता है। इससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर लेते हैं। वहीं इसी के साथ बच्चों को किताबें और स्टेशनरी का सामान भी मुफ्त दिया जाता है। यह है गुवाहाटी के अक्षर स्कूल। 100 से अधिक बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। असम के इस स्कूल में ग्रामीण इलाकों के 100 बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पैसों की जगह यहाँ बच्चे 7 दिन बाद 25 खाली पानी की बोतलें इकट्ठा करते हैं। बताया जाता है कि इस स्कूल को खोलने का आइडिया एक कपल को आया था, जिन्होंने इस इलाके में गंदगी और पढ़ाई की कमी देखते हुए शुरू किया। दोस्तों आप जानना चाहेंगे वह कपल कौन है? जी हाँ दोस्तों, परमिता शर्मा और मजीन मुख्तर ने ये नेक काम शुरू किया था। परमिता और मजीन ने इन दोनों समस्याओं को सॉल्व करने के 2016 में ऐसा स्कूल खोला। अब आप सोच रहे होंगे कि जमा किए गए कचरे का क्या होता है, तो बता दें कि जमा किए गए प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है, और जो भी पैसा उससे मिलता है उसे बच्चों के किताबें व स्टेशनरी के सामानों पर खर्च किया जाता है। ये स्कूल बेहतर शिक्षा के साथ बच्चों को स्वरोजगार सिखाता है। बच्चे यहाँ पढ़ाई के साथ कारपेंट्री, गार्डनिंग और कई अन्य तरह की कलाएं सीखकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं। असम का ये स्कूल बाकी स्कूलों के लिए प्रेरणा बन रहा है। इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। लाइक करें और जाते जाते कमेंट्स करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। फिर से मैं इस दुनिया की अनोखी बातों के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।